सुबह सुबह मेरे सपने में। ओ भाई कहां से तेरे पास ओवरसाइज लोड है यार? बहुत भाई ना सोचते हैं तो अभी मैं ट्रक चला रहा हूँ, ये ड्रोन शॉट साथ में ले रहा है। ये गलत बात है भाई, ये कौन छोड़ गया अपना। ये जब भी रोड क्रॉस करते हैं ना तो भाई गाड़ियों को रुकना पड़ता है, इनको हम हॉर्न वगैरह जब दे के जाए इनके ऊपर नहीं चढ़ा सकते, ये क्राइम है। चंगा भाई अलविदा सजना। तो लूना भाई हमारी रेडी है निकलने के लिए। माफ़ करना थोड़ा सा मोटरसाइकिल हमारे ब्लॉग्स में कम आ रहा है क्योंकि हमारे पास ना गोप्रो नहीं है। हमारा गोप्रो एक भाई लेके गया है, मंदीप अभी थोड़ा टाइम तक आएगा, कहीं बाहर है वो और फोकस गलत जगह पर हो रहा है। क्योंकि आपको पता है गोप्रो के बिना मोटरसाइकिल के ऊपर शॉट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इतने अच्छे भी शॉट नहीं आते, तो गोप्रो आने दो, आपको मोटरसाइकिल ब्लॉग आपको बहुत देखने को मिलेंगे। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे, मेरा नाम है विपिन गारी और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आ जाए भाई हम अपने यार्ड में, तो यार्ड से निकलने की तैयारी। आज संडे है ना तो इसी वजह से सारे ट्रक यहाँ पर और पूरी सुनसान है यार्ड में। इस लोड के ऊपर ना एक ही टायर पर, तो उतारनी थोड़ी सी आसान होगी जब हम इसकी डिलीवरी करेंगे। अगर आप भाई ड्राइव वैन चलाते हो तो जो ये आप देख सकते हो इसके अंदर स्प्रेड एक्सल है, इसको हम स्प्रेड बोल सकते हैं, जो ज़्यादा स्पेस है। बट जो ड्राइव वैन होती है उनमें कम स्पेस होती है, तो वो एक साथ ही होते हैं, उनको हम आगे पीछे करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट। आपको पता होगा जो भाई नए हैं इस चैनल के ऊपर, मैं उनको बता रहा हूँ। अगर हम उन दोनों टायरों को एक पिन पीछे करते हैं, काफ़ी तरह के ट्रेलर होते हैं, एक तो छोटी पिन वाले होते हैं और एक बड़ी पिन वाले होते हैं, मतलब पिन उनकी दूर दूर होती है, जिनकी पिन थोड़ी सी दूर होती है वो वाली पिन के अंदर अगर आप एक पिन पीछे करते हो अपने टायरों को, या आप अपने टायरों को एक पिन आगे करते हो, तो वेट शिफ्ट होता है 250 पाउंड। आप याद रख सकते हो, आप एस्टिमेट रख सकते हो, अगर आप अपने टायरों को आगे करते हो तो वेट पीछे शिफ्ट होगा, अगर आप अपने टायरों को पीछे करते हो तो वेट आगे शिफ्ट होगा। सेम चीज होती है भाई, अगर आपके आगे वेट ज्यादा हो गया बट आपने पीछे भेजना है, वैसे तो आप वहां से भी पीछे कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, बट आप यहां से वेट एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो यहां पर फिफ्थ व्हील के भी पिन्स होती हैं, ये एक पिन आगे करोगे तो भाई 500 पाउंड आपका वेट एडजस्ट होगा। अगर आप इसको मूव करना चाहते हो ना तो आप पहले कोई अंदाजा लगा लो, जैसे यहाँ पर ये वाली पिन के ऊपर अंदाजा लगा लो, आगे मूव करके फिर देख लो एक पिन आगे हुआ या ज्यादा। जब भी हम इसको झटके मारते हैं ना तो ये 3-4 पिन आगे पीछे ले जाता है। आपको पता है ओंटारियो में सारे ट्रक 105 पे चलते हैं और जब हम किसी को ओवरटेक करते हैं और भाई रास्ता दे रहे तो दिल से दुआएं निकलती है, तो 2 मिनट में ओवरटेक हो जाता है। सर्दियों में नमक और गर्मियों में ये मच्छर हमारा सारा विंडशील्ड खराब कर देते हैं। अभी आगे आगे चल के बटरफ्लाईज भी आएंगी सामने, बहुत बटरफ्लाईज मरती हैं। रात को जो जुगनू होते हैं ना, जुगनू बहुत आते हैं, तो ये सारा शीशा खराब ही रहता है। इस ट्रक का कलर चेक करो भाई साहब, गोरे निकले हुए हैं भाई छुट्टियों के ऊपर, क्योंकि काफी गर्मी के दिन आ गए ना, तो अभी ये निकलते हैं भाई। उधर लग गई है टिम हॉर्टन पर लंबी लाइन, तो हम ऑर्डर कर देते हैं यहाँ से। कल्पा भाई क्लोज्ड, ओ भाई बेइज्जती करवा रहा है यार। वो मशीन तो बंद पड़ी है पर कोई बात नहीं, हम ऐप से ऑर्डर कर लेते हैं। A
few moments later. लाइन लंबी होती जा रही है भाई साहब, चेक करो आप वो कितनी लंबी लाइन है। और आपके भाई ने 2 मिनट में ऑर्डर कर दिया, जाएंगे वहाँ पे 2 मिनट में ऑर्डर उठा के ले आएंगे। जैसे कि आपने देखा लास्ट ब्लॉग्स में हमने मोटरसाइकिल के ऊपर जो माउंट लगाया ना, तो ये वाला उसका कवर है। तो ये स्पेशल कवर आता है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, अगर उसके ऊपर हम चिपकाते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक्स्ट्रा सेफ्टी नहीं है। किसी ने रेकमेंड किया था यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कवर ही बाय करो। और इसके नीचे अभी मैग्नेट लगाना बाकी है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ट्रक के ऊपर माउंट करने के लिए। तो एक मैग्नेट लगा लेंगे, ट्रक के ऊपर भी माउंट हो जाएगा, के साथ ये मोटरसाइकिल माउंट के साथ भी माउंट हो जाएगा। वो सामने आप ट्रक देख रहे हो ना, जो ये इसको दोबारा पेंट किया हुआ लग रहा है, मतलब इतनी सफाई में नहीं है, बट यार पता नहीं क्या चक्कर है, ये ट्रक में अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो आप पार्किंग देख रहे हो ना, वहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ तक खत्म होती है। ये पार्किंग होती है भाई बाइक लगाने के लिए, जो 2 ट्रेलर होते हैं, पर इसको मोस्टली भाई ऐसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, कॉफ़ी वगैरह उठाते हैं। हमारी पार्किंग है जो ये आरवी की पार्किंग है, वैसे ये वाली भी पार्किंग ट्रेलर के नहीं है, ये नहीं है, ये छोटी है। देखो आप वहाँ पर ख़त्म हो गए, तो ये एलसीबी के लिए, ये आरवी के लिए। और यहाँ पर बाइक लगाते हैं, 5 मिनट रुकते हैं, कॉफ़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि एलसीबी इतनी ज़्यादा पार्किंग नहीं होती। यहाँ पर 4 पार्किंग, 1 2 3 4, हाँ 4 पार्किंग। ये गलत बात है भाई, ये कौन छोड़ गया अपना कूड़ा यहाँ पे। जो भाई नया है इस चैनल के ऊपर और जो भाई पुराने हैं और काफी वीडियो देख चुके हैं, तो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे चैनल की बहुत ज्यादा सपोर्ट बनती है। जितने सब्सक्राइबर्स उतने ज्यादा ही पेज ऊपर जाता है, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ये जो आप लोड के अंदर बाहर देख रहे हो ना, ये डैनेजेस हैं, डैनेज जो वुड होता है, तो वुड एक पूरे ट्रेलर की साइड का होता है, पर जो लोड है वो अंदर को है, तो इस वजह से जो वुड है वो ऐसे बाहर को है थोड़ा सा। यहाँ पे एक वुड है, यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। भाई हम बॉर्डर के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि एक भाई ने नीचे एक टायर एक्स्ट्रा रखा है, ताजो इसकी जो एमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो ये काम आ जाएगा, क्योंकि बाहर से महंगा बहुत मिलता है। तो मोस्टली ट्रेलर के नीचे ऐसी जगह होती है जो काफी भाई एक एक्स्ट्रा टायर रख लेते हैं चेन डाल के। ये भी काम सेट है यार एडवर्टीजमेंट का, जहाज के पीछे लेके जा रहा है, ट्विंस ट्विंस ऑटो सेल्स एट ट्विंस यू विन। ओके, ट्रकों की ना एक बात बहुत खास होती है कि ये भाई 2-2 मिलियन तक आराम से चल जाते हैं। क्योंकि आपने कभी बात सुनी होगी कि ये वाला ट्रक 1997 मॉडल है या 2000 मॉडल है या 2001 मॉडल है, तो वो आराम से चल जाते हैं। तो अभी आप देखो हमारा ट्रक 2019 मॉडल है, तो इसके ऊपर हम लगभग 9 लाख चला दिया, तो वो ये डेफिनेटली आगे आने वाले 6 महीनों में मैं इसको पूरा 1 मिलियन कर दूंगा। तो आप अंदाजा लगा लो कि ट्रक 2 मिलियन, मेरे हिसाब से तो भाई आपको इससे भी ज्यादा चले हुए मिल जाएंगे। तो ये आराम से चल जाते हैं, बस साथ में इनकी मेंटेनेंस और ट्रक चलता रहे, रोड के ऊपर घूमता रहे, तो इसको कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले भाई ट्रक मिलता है टीम वालों को, जो 4,450 जिनका एक साइड को जाने की माइल्स होती है। तो उसके बाद ट्रक आ जाता है सोलो बंदे के पास, जो एक 16,000-2,000 किलोमीटर की ट्रिप लगा के वापिस आ जाता है, तो फिर उसको मिलता है। उसके बाद मिलता है जो लोकल बंदे काम करते हैं, जो वेयर हाउस के साथ में रहते हैं। उसके बाद ट्रक की बारी आ जाती है यार्ड में, यार्ड में उसको इधर उधर भेजने के लिए, यार्ड में ही जो ट्रेलर मूव करने होते हैं उसके बाद। तो एक आप ट्रक का अंदाजा लगा लो कि 10-15 साल आराम से चलते हैं यार्ड में, अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छे से की गई हो। वो चेक करो, उस भाई को निकाल लिया भाई एक्सरे में, वो जा रहा है भाई, तो हमें जाना है बॉर्डर की इस साइड। मुझे भाई एक चीज़ नहीं पता थी इससे पहले, मुझे भी एक इंस्पेक्शन में बताया था एक MTO ने, ये वाली चीज़ होती है ना जो आपकी लाइंस होती हैं, लाइन इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, अगर टच होती है तो वो रब होती है जब आप टर्न वगैरह लेते हो। तो ये चीज़ को मैंने नीचे एक बंजी डाल के इसको नीचे पुल किया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर ये चीज़ इसके साथ टच होती है तो आपकी ये वाली लाइन लगा लो कि वॉयलेशन में मानी जाएगी, तो इसकी टिकट भी मिल सकती है। वो भी वेरी होना से मुझे नहीं इसके बारे में पता। तो ये ले लिया भाई माउंट, $10 का मिला है अंदर से, तो इसको ये वो मैग्नेट है वो लगाते हैं इसके ऊपर। कहाँ पे मर्जी चल जाओ आपको ये अमेरिका के झंडे तो मिल ही जाएंगे भाई। ये जो आप छोटी सी बिल्डिंग देख रहे हो ना, छोटा सा मतलब ये पार्ट है जो बिल्डिंग का, तो इसके अंदर सिर्फ वेंडिंग मशीन है, 3 साइड है और 3 साइड है, ऑटोमेटिक पे चल रहा है इनका बिजनेस। और आज वेदर भी बहुत अच्छा है भाई, और हवा चल रही है, साथ में धूप है बहुत बार।
ये भाई बोट चेक करो, क्या बात है यार, कितनी लंबी बोट है यार। इसके अंदर है दो लग्जरी सीट्स, क्या बात है, पूरी लेदर वाली सीट्स है और एक स्क्रीन भी है दूसरी साइड पे। अच्छा, गार्मिन का जीपीएस फॉर बोट्स ये पहली बार देखा है भाई। तो इंजन भी आप देख सकते हो, पीछे चार टायर है इसके ट्रेलर के, और क्या बोट है यार, कितनी मतलब पतली सी लग रही है मुझे। आज हमने रेस्टोरेंट से रोटी लेके आए हैं हम, जिसमें मुझे $8 में 8 रोटियां और 2 सब्जी मिलती है, वो मनपसंद की सब्जी होती है। बट मैं आपको एक राय दूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग करना चाहते हो तो रेस्टोरेंट से रोटी मत लगाओ जिसमें बहुत सारे मसाले वगैरह होते हैं। ऐसा ट्राई करो जो घर से बंदा रोटी बना के आपको टिफिन लगाता है ना, वो टिफिन ठीक रहता है। ज्यादा तेल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और स्पेशली ट्रैकिंग में। और शर्ट मैंने अभी नोटिस किया, ये वाली पार्किंग रिजर्व है, सारा जो कलर है उसका रब हो चुका है। ये सारी वाली पार्किंग वहां तक सारी रिजर्व है, वो सामने भी पार्किंग रिजर्व है। तो अभी मैंने ड्रोन शॉट से साथ वाले पंप में भेज के देखा है कि वहां पर पार्किंग काफी बड़ी है, तो वो वाले पंप के ऊपर चलते हैं। गौर भाई ना सोचते हैं, तो अभी मैं ट्रक चला रहा हूँ, ये ड्रोन शॉट साथ में ले रहा है, ड्राइविंग करता करता ड्रोन शॉट ले रहा है भाई, ऐसा नहीं होता। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे हाथ में कोई फोन नहीं है, तो वो ड्रोन शॉट ना ऑटोमेटिक पे लगाया है वहां पे, वो ऑटोमेटिक मैंने उसके ट्रक की लोकेशन डाल दी है, वो ऑटोमेटिक कैच कर रहा है लोकेशन को और वो शॉट अपने आप ले रहा है जैसे मैं ड्राइव करूंगा। अभी ऐसी हालत नहीं मैंने कभी देखी है, सारी पंप फ्री है। ओ भाई साहब, यहाँ से हमारी लोकेशन सिर्फ 50 किलोमीटर के ऊपर है, तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ शावर। शावर लेने के बाद आपको मैं सीधा सुबह ही मिलता हूँ, और तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. जी, तो डिलीवरी वाली लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हो रही है डिलीवरी। गर्मी ने पूरा हल कर दिया। सुबह सुबह पता क्या हुआ भाई, अलार्म लगाया था 5 बजे का, मेरे जब मुंह के ऊपर धूप आने लगी ना, मुझे तब पता चला कि 9:20 हो चुके हैं। पता नहीं क्या चक्कर हो गया यार, रात नींद भी इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी गूढ़ी नींद आई, पता नहीं चला। अलार्म लगाए थे मैंने, अलार्म चले नहीं इतने, और भाई कर रहे हैं अनलोडिंग ट्रक की। सुबह सुबह मेरे सपने में मैं फुटबॉल का मैच लगा रहा था, और एकदम से ना धूप आने लगी, तो मुझे धूप से पता चला कि भाई ये क्या हो गया। एकदम से मैंने ये सोचा कि मैं कहाँ पे हूँ भाई, मैं कहाँ पे हूँ, ऐसे ही मतलब एकदम से रात को नाइटमेयर नहीं हो जाता, वैसा ही हाल हो गया था सुबह सुबह। तो फिर मैं उठा, मुंह हाथ धोया और एकदम से लोड चेक किया सभी कुछ, और लगभग बीच 5-7 मिनट में मैं वहाँ से निकल गया। तो अभी यहाँ पे आके डिलीवरी कर रहे हैं, इसके बाद हमें पिकअप भी करने जाना है, तो ब्रश भी मैंने यहाँ पे आके किया।
ओ भाई कहां से तेरे पास ओवरसाइज लोड है यार, टाई पहन के ऊपर ओवरसाइज के बोर्ड और झंडे लगाए हैं भाई ने, क्या बात है यार। भाई चेक करो भाई, 2005 मॉडल लग रही है। चेक इन हो गया भाई कंपनी में, सबसे पहले यही होता है कि एक बार चेक इन हो जाए, पता चल जाए लोड कर भी रहे हैं या नहीं। अभी टाइम हो चुका है 2:30 के आसपास, वो भाई भी पीछे आ रहा है और हेलमेट उसके हाथ में था, तो पता चल रहा है कि भाई वो ड्राइव करेगा। हाँ जी, तो लोड हो गया भाई डन यहाँ से। वैसे तो एक ही बंडल था, इसके ऊपर 2 स्ट्रैपों से भी काम चलता सकता था, पर मैं इतना लंबा लोड़ा तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आगे और एक पीछे, 2 स्ट्रैपों से काम चल सकता है लीगली जो वेट है इसका लोड का। बट ये सारा बीच में खाली रह जाना था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर 6-7 स्ट्रैपें डालती हैं जो मुझे सेटिस्फाइंग लगता है। और इसके ऊपर काम तो वही है, टार पे 2 डालनी पड़ी, तो 2 टार पे डाली है इसके ऊपर, और साथ में इसके ऊपर जो पीछे वो घूर देख रहे हैं अभी बंदा क्या कर रहा है, उनको पता नहीं कि बंदा व्लॉगिंग करता है, तो इस वजह से स्ट्रैप पे होगी। तो अभी निकलते हैं, पेपर वर्क ले लिया, तो लेट्स गो। इस बीवरे जार का भाई बहुत फायदा है, मैंने देखा जहां पर भी आप रुकते हो अपना हाथ मुंह साफ करो और यहां से निकल सकते हैं। अदरवाइज हमें अपने जहां तो पानी पीने वाला खराब करना पड़ता है बोतलों वाला, अदरवाइज जहां अपना आधा घंटा घंटे के ऊपर फिर से रुको एक ट्रक स्टॉप के ऊपर, वहां पे मुंह साफ करो, और जो मिट्टी होती है ना सारी फेस के ऊपर, ये हमारा फेस खराब कर देती है। एक वो जो फ्रेशनेस सी होती है ना पसीने के बाद, वो आ जाती है साफ में। ओ भाई साफ, अपने बच्चों को लेके जा रही है। ये जब भी रोड क्रॉस करते हैं ना तो भाई गाड़ियों को रुकना पड़ता है, इनको हम हॉर्न वगैरह जब दे के जाए इनके ऊपर नहीं चढ़ा सकते, ये क्राइम है। A few moments later. भाई हम ट्रक स्टॉप के ऊपर, यहाँ पर पंप है जो बहुत ज्यादा बिजी है आज, आप देख सकते हो पीछे भी एक बस वाला वेट कर रहा है और काफी ट्रक है आज वेट कर रहा है। मैंने सोचा कि रोड हमारा क्लियर हो चुका है, अभी हमें एंटर करना है कैनेडा में, तो फ्यूलिंग कर लेते हैं एक बार, टैंक फुल होना तो बढ़िया रहता है अपने। आजकल ना फटा गए बहुत हो गई है भाई, पीछे भी फ्लैट बेल्ट, अब बहुत सारे फ्लैट बेल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो सभी तरफ कोई बढ़िया फटा गए हैं, इसको हम फटा बोल देते हैं। वो एक बस और ट्रक पीछे पार्क है और पंप खाली है भाई, पीछे से हॉर्न पड़ रहे हैं रोड से। ये देखो यहाँ से ट्रक निकलते हैं और पूरा ब्रिज हिलता है भाई साहब, और आवाज भी पूरी ट्रेन की तरह आती है। बाकी यार बातों की बातें, व्यू बहुत अच्छा आता है ऊपर से ना ब्रिज से, और उधर पानी दिखता है नीचे। हमने लिया है यहाँ से टिम होटल से एक स्कैप और एक बेगम। इस टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, खाली पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से 11 बज चुके हैं अभी रात के। आज सारे दिन में भाई हमने चलाया है 1054 किलोमीटर और कल चलाया था 888 किलोमीटर ट्रिपल एट। हाँ जी, तो फाइनली ये वाली ट्रिप भी ऊपर वाले की मर्जी से ये वाली ट्रिप भी हमारी पूरी हो चुकी है। यार में ट्रक लगा दिया हमने, पार्क कर लिया, थोड़ा सा लरी मोड ऑन कर लेते हैं अभी, बढ़िया लग रहा है, तो कार कर लिया स्टार्ट। आज के ब्लॉग को हम यहाँ तक ही रखते हैं। अरे भाई साहब ये तो गोपी की कार है, गोपी जो हमारे साथ रहता है, उसने ये परफॉर्मेंस लगाया ना ऊपर, तो जाली सी वेबसाइट से मंगवा कर, और तो इससे इसकी कार की पहचान आ जाती है भाई हमें। तो भाई साहब आज के ब्लॉग को हम यहाँ तक ही रखते हैं,
जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज कर भी देना यार। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।